हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। कंपनी अकाउंट शेयर चैप्टर जो हम लोग लेके चल रहे थे, उसी में आज हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अंशों का पुनर्निर्गमन। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो इससे पहले वाले वीडियो तक हम लोगों ने अंशों का हरण तक समझ लिया है, उसके सारे थ्योरीज भी समझ लिया, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं यानी जनरल एंट्री भी हमने सीख लिया है, लेकिन अभी तक हमने एक भी एग्जांपल आप लोग को नहीं बताया। आज के वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाला है उसमें सारे एग्जाम्पल चलेंगे। तो 5 या 6 एग्जाम्पल हम लोग का चलेगा जो 5 या 6 वीडियो में कवर होगा, और एग्जाम्पल जो होगा ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी ही आएगा, तो आप लोग घबराइएगा मत। और एग्जाम्पल जो होगा बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएगा, मतलब एकदम इजी एग्जाम्पल से लेकर हार्ड एग्जाम्पल तक। ये सारे एग्जाम्पल जब आप सीख लेंगे तो आपको गारंटी है कि आपको अंश के हरण में या अंश चैप्टर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर ये पूरा प्लेलिस्ट आप लोग अच्छे तरीके से देखते हैं तो। इसलिए ये प्लेलिस्ट थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें पूरा कंपनी कवर किया जाएगा, यानी कंपनी अकाउंट शेयर, कंपनी अकाउंट डिवेंचर और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट वाला, ठीक है, ये सारा कवर किया जाएगा। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन आपको पूरा कंपनी समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो क्या है, अंशों का पुनर्निर्गमन। पुनर्निर्गमन कब होता है? तो पुनर्निर्गमन तब होता है जब उसको हम लोग हरण करते हैं। जब अंश को हम लोग हरण करते हैं तो हरण करने के बाद अपने पास रखते नहीं है, क्योंकि अंश हरण करते हैं तो क्या होता है, अंश पूंजी में कमी हो जाता है। अंश को जब हरण किया जाता है तो अंश पूंजी में कमी हो जाता है और कंपनी की पूंजी कम हो जाएगी, इसलिए कंपनी क्या करता है, उस हरण किए गए अंशों को दोबारा से निर्गमित करता है, ठीक है। तो हरण के जस्ट बाद का प्रोसेस है क्या होता है, पुनः निर्गमन। पुनः मतलब दोबारा और निर्गमन मतलब निर्गमित करना यानी निकालना, तो ठीक है। तो हम लोग आज यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, पुनः निर्गमन कैसे होता है। देखिए निर्गमन हम लोग पढ़े थे एकदम स्टार्टिंग में, निर्गमन होता था केवल 2 मूल्यों पर, कौन कौन सा, सम मूल्य पर और प्रीमियम पर। लेकिन पुनर्निर्गमन हमारा 3 मूल्यों पर होता है, ठीक है, कौन कौन सा, सम मूल्य पर भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है और कटौती पर भी होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, अंशों का जब हरण हो जाता है और उसको जब पुनः निर्मित किया जाता है तो 3 मूल्यों पर किया जाता है, लेकिन निर्गमन 2 मूल्यों पर होता है, क्योंकि कंपनी जो होता है कभी भी कटौती पर अंशों का निर्गमित नहीं कर सकती है। ये 2013 के अधीन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये इस पे बैन है यानी रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, प्रतिबंधित है ये चीज़, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पुनः निर्गमित कर रहे हैं। पुनः निर्गमित में कटौती पर भी निर्गमन किया जाता है, कितना कटौती, क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट होता है, पहले वो सीख लेते हैं चलते हैं, ठीक है। तो जब सम मूल्य पर निर्गमित होगा तो याद रखना यहां पर यह है कि जब निर्गमन करते हैं तो कॉल्स जो होती हैं, पैसे जो आता है अंशों का जो राशि प्राप्त होता है वो कई कॉल्स में बट के आता है, यानी एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, इस प्रकार से अलॉट जो अमाउंट है अंशों का वो कई पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, इस तरह से आते हैं। लेकिन पुनर्निर्गमन में अंशों का पैसा डिवाइड होकर नहीं आता, बल्कि क्या होता है, इकट्ठा मांगा जाता है। इसलिए ये अंश जो होते हैं वो कैसे अंश निर्गमित होते हैं, तो ये हमारा फुल्ली पेड शेयर इशू होता है, फुल्ली पेड, ठीक है, फुल्ली पेड शेयर इशू होता है, यानी पूर्ण दत्त का मतलब ऐसा अंश जिसका पैसा एक बार में प्राप्त हो जाए, ठीक है, जिसका पैसा एक बार में प्राप्त हो जाए वो पूरा पूर्णदत्त शेयर कहलाता है, यानी उसका अगर 10 रुपये दाम है तो ये 10 पूरा मिल जाए, तो 10 पूरा मिल जाए तो इस शेयर को क्या कहते हैं, पूर्णदत्त शेयर। अगर कुछ भी अंश का पैसा बाकी हो रहता है तो वो पूर्णदत्त नहीं होता, बल्कि अंश तक पूर्णदत्त होता है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर हमेशा फुल्ली पेड शेयर इशू होता है, क्लियर है। अब चलते हैं एंट्री क्या होगा, क्योंकि पैसा आता है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हम सब मूल्य के निर्गमन की बात कर रहे हैं, पैसा आता है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और 2 क्या हो जाएगा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होता है हमारा पूर्णदत्त शेयर का एंट्री जब इशू पुनर्निर्गमन होता है। पुनर्निर्गमन है, अंश को दिए, अंश पूंजी हमारी बढ़ेगी इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, और क्या होगा, पैसा आएगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, बात समझे। तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। और प्राइस क्या रहेगा, तो प्राइस ऑफ शेयर जो भी यहाँ पर प्राइस ऑफ शेयर रहेगा उसी पे हम लोग क्या करेंगे, उसी पे हम लोग ये एंट्री कर लेंगे, क्लियर हो गया बात। सेकेंड, प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम एक एक्स्ट्रा पैसा है, वो शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन मिलता तो है कंपनी को, तो इस कंडीशन में एंट्री जैसे वहां पर होता था लगभग वही एंट्री है पहले, लेकिन उसमें क्या होता है, वो अलॉटमेंट के साथ होता था इसलिए ड्यू होता था और फिर मिलता था, लेकिन हमने वहां पर आप लोग को बताया था कि प्रीमियम किसी भी कॉल पे हो सकता है,
किस पे? अप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे, किसी भी कॉल पे हो सकता है। और हमने ये भी समझाया था कि प्रीमियम का एंट्री जब हम करते हैं तो प्रीमियम शो किस एंट्री के साथ करते हैं, तो शेयर कैपिटल वाले एंट्री के साथ उसको शो करते हैं, यानी ड्यू करते समय मांगते हैं और मिलता है फिर आराम से पूरा एक्सेप्ट करते हैं एक साथ, ठीक है। तो हमेशा ड्यू वाली एंट्री यानी शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ड्यू नहीं है, यहाँ पर तो ड्यू है नहीं, यहाँ पर सीधे मिल रहा है, लेकिन सीधे मिल भी रहा है तो शेयर कैपिटल का शो हो रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है ना, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल आएगा तो प्रीमियम भी इसी के साथ आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा जब प्रीमियम पर निर्मित होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो वो भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है, ये हमारा एंट्री बनेगा। जैसे वहां पर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता था, उसी तरह यहां पर भी कैपिटल के साथ ही क्रेडिट होगा। यहां पर क्या जाएगा, प्राइस पूरा का पूरा, यहां क्या जाएगा, यहां पर प्राइस ऑफ शेयर जाएगा, वो भी पूरा पूरा प्राइस ऑफ शेयर विथ प्रीमियम लिख देते हैं, विथ प्रीमियम, प्रीमियम को प्री लिख रहे हैं, प्रीम समझ लीजिएगा। यहां पर क्या क्या जाएगा, विथाउट प्रीमियम वाला पैसा जाएगा, यानी जो ओरिजिनल दाम है, विथाउट प्रीमियम वाला प्राइस ऑफ शेयर विथाउट प्रीमियम, हम केवल विथाउट प्रीमियम लिख लें, समझ लीजिएगा। जैसे अगर 10 रुपये का शेयर है जो 12 रुपये पे इशू हो गया, तो यहाँ पर 10 रुपये जाएगा, यहाँ पर टोटल 12 रुपये जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर केवल प्रीमियम जाएगा, तो ओनली प्रीमियम से समझेंगे, ओनली प्रीमियम, केवल प्रीमियम का पैसा जाएगा, यानी दो के हिसाब से जाएगा, ठीक है, बात समझें। तो ये हो गया हमारा पुनर्निर्गमन, कब हम निर्गमन यहाँ पे लिखे, इसका मतलब ये भी नहीं सोचेगा इशू हो रहा है, इशू कब हो रहा है, अंशों का पुनर्निर्गमन, हरण के बाद इशू हो रहा है, इसलिए पुनर्निर्गमन का एंट्री है, बात समझे। तो पहला जब सम मूल्य पर हम करेंगे तो ये एंट्री करेंगे, जब प्रीमियम पे करेंगे तो ये करेंगे। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये सब एंट्री क्या होगा, ये सब एंट्री सबसे लास्ट में किया जाता है, पुनर्निर्गमन हमेशा लास्ट में किया जाता है, हरण कभी भी किया जा सकता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं हरण कब करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा। लेकिन पुनर्निर्गमन कब किया जाता है, पूरा कंप्लीट होने के बाद, सारे कॉल्स मांगने के बाद ही पुनर्निर्गमन होता है, बात समझे। फिर अगला क्या है, कटौती पर निर्गमन, जब कटौती पर निर्गमन होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि पैसा तो आएगा ही, हर हालत में आएगा। फिर हमारे यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, अब याद रखिए ये अकाउंट आपको कहाँ दिखा था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये अकाउंट कहाँ दिखा था, ये अकाउंट आपको उस एंट्री में दिखा था जब आप क्या करते थे, अंशों को हरण करते थे, तो क्रेडिट में होता था, वो पैसा जितना अंश का जब्त किया, वो पैसा जो अंशधारियों ने चुका दिया, जब हम अंशों का हरण करते हैं, अंशों को जब्त करते हैं, तो उन जब्त किए गए अंशों पे अंशधारियों ने जितना पैसा चुका दिया रहता है, वही पैसा क्रेडिट होता था हरण में, शेयर फॉरफीचर नाम से। और यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री हो गई। ये अमाउंट कैसे जाएगा, तो अमाउंट देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, जो भी शेयर का प्राइस होगा, प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, 10 रुपये तो 10 रुपये, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस जाएगा, जितने का भी डिस्काउंट दिया। और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर बैलेंस, बैलेंस का मतलब जितना शेयर का पैसा मिला, ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये डिस्काउंट है, तो 1 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पर बैलेंस 9 रुपये के हिसाब से, 10 के हिसाब से, 1 के हिसाब से और 9 के हिसाब से, इस तरीके से क्या होगा, हमारा अमाउंट जाएगा, बात समझे, क्लियर हो गया। ये खाते को हम इसलिए याद आपको कराए हैं और यहाँ स्टार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पर समझना है, यहाँ पर एक पॉइंट समझना है, क्या होता है ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डिस्काउंट दिया जा रहा है, कंपनी कटौती पर निर्गमन को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यहाँ क्यों इशू करने का छूट है, तो यहाँ करने का इसलिए छूट है क्योंकि कंपनी क्या करता है, कंपनी जब अंशों को हरण करता है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसके पास आ जाता है, क्यों, क्योंकि अंशधारियों ने क्या किया, अंशधारियों ने कुछ पैसा चुकाया था, वो भी कंपनी लौटाने नहीं जाता, उसको वो जब्त कर लेता है, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो जितना पैसा वो जब्त किया रहता है, जो यहाँ पर हमने लिखा है, जितना पैसा वो जब्त किया रहता है उतने ही पैसे का वो डिस्काउंट दे सकता है, उससे कम भी दे सकता है, वो कंपनी के ऊपर है, उससे कम भी दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर हरण करते समय एंट्री में हमने शेयर फॉरफीचर को अगर 4,000 रुपये लिखा है, तो 4,000 रुपये ही मैक्सिमम अमाउंट है डिस्काउंट का, उससे ज़्यादा यहाँ पर डिस्काउंट का हम नहीं कर सकते हैं, 4,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसी के बारे में क्या लिखा है, कंपनी द्वारा जितनी राशि का हरण किया जाता है, जितनी राशि का हरण किया जाता है, याद रखिएगा, कंपनी द्वारा जितनी राशि का हरण किया जाता है, केवल उतना ही राशि पुनर्निर्गमन में कटौती
के लिए प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिए, केवल उतना ही राशि क्या किया जाता है, कटौती के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया बात समझे ना। तो ये तीन एंट्री होता है हमारा, सम मूल्य पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट जाएगा 10 का हिसाब से 10-10 हो जाएगा। प्रीमियम पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हो गया। अमाउंट कैसे जाएगा, क्या केवल प्रीमियम का, विथाउट प्रीमियम यानी शेयर के ओरिजिनल दाम से और प्रीमियम के साथ जोड़ करके, ठीक है। यहाँ पर कैसे जाएगा, डिस्काउंट पे होगा। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर के दाम से डिस्काउंट और दोनों का बैलेंस जाएगा बैंक में। समझ में आ गया। इसके बारे में हमने बताया कि उतना ही देंगे जितना हरण किए हैं, तो क्लियर है। इसके बाद एक और एंट्री समझना है, इसके बाद हमें क्या करना है, एक और पॉइंट समझना है। वो क्या होता है उसको पहले थोड़ा सा मैं थ्योरी में समझा देता हूँ, उसके बाद उसकी एंट्री समझाता हूँ। जब हम अंश हरण करते हैं तो हमें पता है कि हमारा क्या होता है, हमें पैसा कुछ हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग शेयर फॉरफीचर कहते हैं, या शेयर फॉरफीचर नाम से ही आपको बताया तो यही होता है, शेयर फॉरफीचर कहते हैं या फॉरफिटेड शेयर भी नाम से जाना जाता है। कुछ पैसा हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा हम लोग पा लेते हैं। जब हम लोग अंश को हरण करते हैं तो अंशधारी बहुत से पैसा चुकाए रहते हैं, उसको भी हम लोग लौटाते नहीं है, तो वो पैसा हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर नाम से अपने पास रखे रहते हैं, कुछ पैसा पा लेते हैं, ठीक है। और उसमें से हम लोग डिस्काउंट देते हैं, अगर हमारा पुनर्निर्गमन, याद रखिएगा तभी होगा ये एंट्री जब पुनर्निर्गमन हो चुकेगा। अगर हम अंशों का हरण किए और उसका पुनर्निर्गमन नहीं किए तो इसके बाद जो हम एंट्री बताने जा रहे हैं वो एंट्री नहीं होगा। वो एंट्री तभी होगा जब अंश को हरण कर लिए हैं और उसका पुनर्निर्गमन भी कर चुके हैं, किसी भी मूल्य पे करें, चाहे तो इस पे करें, चाहे तो इस पे करें, चाहे तो इस पे करें, किसी पे भी अगर पुनर्निर्गमन कर चुके हैं तब जाके वो नेक्स्ट वाली एंट्री जो हम बताने जा रहे हैं वो होगा। क्लियर है। तो क्या होता है, हम समझा रहे थे कि ये पैसा हमने हरण किया है, इतना पैसा हमारा क्या होता है, इतना पैसा हमने क्रेडिट में लिखा है, कुछ भी पैसा इस नाम से हमने क्रेडिट में लिखा है। अब उस वाली एंट्री में कितना अमाउंट डालेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। उसमें क्यों हम कितना अमाउंट कैसे डालते हैं, तो इतना हमने क्रेडिट किया है। अगर हम सम मूल्य पे निर्गमित कर रहे हैं, अगर अंश हम सम मूल्य पे निर्गमित कर रहे हैं तो जितना यहाँ पर क्रेडिट किए वो पूरा पैसा हमारा ट्रांसफर होगा नेक्स्ट एंट्री में, वो पूरा पैसा हमारा यूज होगा, ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में पूरा पैसा यूज होगा। अगर हम यहाँ पर क्या प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इस नाम से कोई भी एंट्री में कोई भी खाता इफेक्ट नहीं है, तब भी वहां पर क्या होगा, पूरा हमारा हुआ था हरण के समय वो पूरा पैसा जाएगा उस जनरल एंट्री में। और अगर हम ये डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट है और यहाँ पर क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस यानी शेयर फॉरफीचर के उस अमाउंट में से डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम क्या करेंगे, वो अमाउंट हम नेक्स्ट वाले एंट्री में यूज करेंगे, ठीक है, वो वाला अमाउंट हम नेक्स्ट वाले एंट्री में यूज करेंगे। तो वो नेक्स्ट एंट्री क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए क्या हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा अंश हरण हम लोग करते हैं जब, तो हरण करते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट होता है जिसको हम लोग किस नाम से अपने पास प्राप्त करते हैं, शेयर फॉरफीचर यानी अंश हरण, ठीक है, अंश हरण खाता इसको हिंदी में कहते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट नाम से हम अपने पास प्राप्त करते हैं जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है, ये प्राप्त किए रहते हैं। अब इसका अगर बैलेंस बचता है, इसका बैलेंस कब हम मानते हैं, तब हम मानते हैं जब अंशों का हरण करने के बाद उसका पुनर्निर्गमन हो गया। अगर पुनर्निर्गमन हो गया तभी जाके ये ट्रांसफर वाली एंट्री होगा। कैसे ट्रांसफर होता है, तो इस खाते की बाकी को हम किस खाते में डालते हैं, पूंजी संचय यानी कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित करते हैं। अच्छा, कैपिटल रिजर्व में ही क्यों हस्तांतरित होता है, तो कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित होने का एक कारण ये है क्योंकि ये पैसा जो हमें प्राप्त हुआ वो पूंजीगत प्राप्ति है। वो कैसा प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है, तो पूंजीगत प्राप्ति को हमेशा पूंजीगत संचय में ही डाला जा सकता है, उसे अंशधारियों में बांटा नहीं जा सकता, वो नॉर्मल लाभांश नहीं है, वो नॉर्मल लाभ नहीं, इसलिए उसको अंशधारियों में बांटा नहीं जा सकता। वो कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा पूंजी संचय में, ठीक है, अगर बचता है तो। बचता है ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए जो पैसा हम लोग क्रेडिट में प्राप्त किए, फिर से मैं बता दें, जो पैसा हम लोग क्रेडिट में प्राप्त किए अगर पार पे रीइश्यू है, अगर पार पे रीइश्यू है तो यही अमाउंट जाएगा, ठीक है, अगर प्रीमियम पे रीइश्यू है, अगर प्रीमियम पे रीइश्यू है तब भी यही अमाउंट जाएगा, लेकिन अगर हमारा डिस्काउंट पे रीइश्यू है, अगर हमारा डिस्काउंट पर रीइश्यू है तो क्या होगा, इस वाले अमाउंट में से डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखे अंश हरण खाते की बाकी का मतलब बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा उसी को पूंजीगत संचय में यानी पूंजी संचय में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या बनता है, तो इसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर
शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग अंश हरण को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हमारा एंट्री होता है। ठीक है, शेयर कैपिटल दिमाग में बार बार आ रहा है इसलिए लिख दिए। तो हम क्या बता रहे थे, अंश हरण खाते की बाकी को पूंजी संचय में ट्रांसफर कर। ठीक है, तो अंश हरण को शेयर फॉरफिचर करते हैं तो वो बैलेंस अगर बचेगा, क्योंकि हम जब रिसीव करते तो क्रेडिट होता है, रिसीव करते तो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट देते हो तो क्या होता है, वो डेबिट होता है। डिस्काउंट वाली एंट्री अभी हमने बताया वो डेबिट होता है। तो क्रेडिट और डेबिट का क्या करता है, क्रॉस रिलेशन होता है, तो इन दोनों से बैलेंस निकलता है। तो बैलेंस जब निकलता है तो उस बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, ये क्योंकि वो बैलेंस क्रेडिट ही होगा, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तभी वो ट्रांसफर होगा, तो क्रेडिट से वो डेबिट होता है, क्योंकि वो यहां से इसमें आ रहा है ना, तो खुद क्या होता है राइट ऑफ होकर डेबिट होता है, इसलिए शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट होगा जो बैलेंस बचेगा। और जा कहां रहा है, कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। कैपिटल रिजर्व एक क्या है, एक लायबिलिटी है, और वो बैलेंस उसका क्रेडिट होता है, इसलिए वो क्रेडिट में जाता है। ठीक है, अमाउंट कहां जाएगा, तो अमाउंट हमने बता दिया। अमाउंट कैसे आएगा, अगर ब्रैकेट में लिखना है तो शेयर फॉरफिचर माइनस डिस्काउंट, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, शेयर फॉरफिचर माइनस डिस्काउंट से अमाउंट जाता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी देखिए, हम चाहें तो अभी एग्जांपल बताएं, लेकिन एग्जांपल अगर हम बताएंगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो से एग्जांपल ही एग्जांपल है, अब कुछ इसमें बताना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्ट एग्जांपल ही एग्जांपल है, और आपको कम से कम 5 या 6 एग्जांपल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चुन चुन के एग्जांपल समझाया जाएगा। तो आप लोग लगातार बने रहिए। कंपनी अकाउंट्स को शेयर चैप्टर आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आपको किसी भी बुक से आप पढ़ते हैं वो आप आराम से क्वेश्चन लगा जाएंगे, इस बात की गारंटी है आपको। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इस चैनल के साथ बने रहिए, इसे और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जो बच्चे अभी भी बहुत, जैसे कि अभी बहुत से कोचिंग खुल चुके हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ चुका है पढ़ाने के लिए, तो बहुत से कोचिंग खुल चुके हैं, बहुत से स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को दिक्कत होता है तो उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनके पास टीचर नहीं है, या जिनके पास टीचर है उनको उनकी बात नहीं समझ में आता, अगर यहाँ से समझ में आता तो उनको शेयर कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछिए, या तो डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सअप नंबर से आप हमसे जुड़िए। हम लोग लाइव क्लासेस भी लेके चल रहे हैं फेसबुक पर, तो वहाँ पर आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें एकदम लाइव पढ़ाया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।